हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणतक गलटस्कट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि एक रस्सी तीन सही 3/5 मीटर एवं चार सही 2/5 मीटर और 2 मीटर की लंबाई के टुकड़े किए गए काटा गया और चार सही 2/5 मीटर की लंबाई के भाग को पूरी लंबाई के भिन्न क्या होगा, अपन को ये बताना है। पूरी भिन्न के साथ इसका भिन्न क्या होगा, है ना, बताना। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबसे पहले कितने भाग में, पहले ये तीन सही 3/5 भाग में बांटता है और दूसरे को चार सही 2/5 भाग में और तीसरे को 2 मीटर के भाग में बांटता है। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको भिन्नों को हल करेंगे। तो 3 × 5 = 15 और 3 = 18, 18/5 धन, 4 × 5 = 20 और 2 = 22, 22/5 धन 2। अब इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 5 आएगा, बिल्कुल एलसीएम 5 आ गया। क्या आएगा, 18 में 22 जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना, 40, 18 × 22 = 40 धन, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 40 × 10 कितना हो जाएगा, 50, 50/5 मतलब कितना आ जाएगा लंबाई, टोटल लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। अब 10 मीटर हो गया, अब इसने क्या बोला है, चार सही 2/5, चार सही 2/5 भाग का अपन को इसकी लंबाई और इसका भिन्न ज्ञात करना, ठीक है। 5 × 2 = 5 × 20 और 2 = 22, 22/5 गुणित टोटल भाग कितना है, 10। अब क्या करेंगे, 2 × 2 = 2 × 2 और 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 = 25, तो कितना हो जाएगा, 11/25, तो 11/25 जो होगा इसका सही आंसर होगा। यहाँ 11/26 लिखा है लेकिन 11/26 किसी भी तरह से नहीं आ सकता, केवल 11/25 आएगा। थैंक यू।